वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम ठाणे। आज भारतीय स्वतंत्रता दिवस का 75वीं वर्षगांठ है। मैं ठाणा से बात कर रहा हूँ, हमारे घर के बालकनी से। 9 बजे हमारे सोसाइटी का फ्लैग होस्टिंग है और आप देख रहे हो बारिश कितने ज़ोरों से आ रही है। ऐसे बारिश में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कैसा होगा? बहुत ज़ोरों से बारिश है, पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ है। पूरा व्हाइट व्हाइट नजर आता होगा बारिश की वजह से। मैं अभय रेडी हो चुका हूँ सोसाइटी के फ्लैग होस्टिंग में जाने के लिए। रुचि भी तैयार हो चुकी है, हम दोनों अभी नीचे सोसाइटी के फ्लैग होस्टिंग के लिए जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ जाके मिलते हैं आपसे। आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा, हमने एक मेटल ट्रंक पुरानी जो है रिस्टोर की थी, उसको नया लुक दिया था, वो यहाँ रखी है। ये हमारी जो एंट्री है, अभी जो बारिश दिखाया था वो आगे के बालकनी से दिखाया था। यहाँ एंट्री पॉइंट पे हमारा झूला है, सीटिंग एरिया है और यहाँ वो रखी है। इसमें फिलहाल रुचि के जो हैंडबैग्स है वो स्टोर किए हैं। यहाँ से हम बाहर जाते हैं। ये हमारा लॉबी एरिया है 18th फ्लोर का। ये हमारा बाथरूम के इसमें का गार्डन है, बाथरूम के बाहर जो ड्राई एरिया है वहाँ का। रुचि चल, सुबह का मिल्क पाउच आया था, पाउच रखने रुचि गई है। लिफ्ट, तब तक मैं दबा देता हूँ, लिफ्ट आएगी। पोडियम लेवल पे जाना रहता है, पोडियम लेवल पे हमारा फ्लैग मास्ट है। चलो हम नीचे जाने पर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग सर। पोडियम दबाए ना। सिक्योरिटी कैमरा रहता है सब। यहाँ इंटरकॉम रहता है, जो हम कुछ लिफ्ट फंस गए तो घर में कांटेक्ट करते हैं। पोडियम आ गया है। गुड मॉर्निंग। फ्लैग होस्टिंग एरिया है, अभी फ्लैग का मास्क के ऊपर चढ़ाने का काम शुरू है। हमारा एम्पी थिएटर एरिया है।
बारिश में वॉक करते थोड़ा। ये ग्राउंड लेवल से पोडियम लेवल पे आने का रैंप है, व्हीकल भी आ सकते हैं लेकिन व्हीकल आना मना है। इनको अच्छे अच्छे पिंक फ्लावर्स लगते हैं जिसके ऊपर तितलियां आती है समर में। ये हमारा मंदिर है, मूर्ति नहीं है, सिर्फ फोटो रखे हैं। हमारी 8 आवर है बिल्डिंग का और यहाँ 20 आवर है। ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ स्विमिंग टैंक है और उसके पीछे जो बिल्डिंग दिखती है वहाँ क्लब हाउस जिमनेशियम एरिया है। टाइम हमने दिया था 9 बजे फ्लैग हॉस्टिंग का सब लोगों को, लेकिन हार्डली 2 लोग ही आए हैं और फ्लैग हॉस्टिंग की तैयारी भी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि बारिश काफ़ी थी और इसमें दिक्कतें आई थी। हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है सोसाइटी के और सेक्रेटरी साहब वो काम कर रहे हैं, थोड़ा बारिश में वॉक करते। ये पेड़ बोल रहा था मैं, इसको पिंक फ्लावर्स लगते हैं जिसके पे समर में, समर बोले तो जब धूप खिलती है तब तितलियां आती है। ये हमारी सोसाइटी की सिक्योरिटी केबिन है। नीचे यहाँ पार्किंग एरिया है। फिर से हम ऊपर पोडियम की तरफ जा रहे हैं। बराबर सामने भगवान महावीर की एक मूर्ति है। बिल्डर ने पुराने जो पेड़ है ये बनियन ट्री है, बड़ का झाड़, एक पीपल का झाड़ है, जामुन का झाड़ है, ये बिल्डिंग बनाते वक्त इंटैक्ट ही रखे हैं। इस बड़ के झाड़ की रूट्स जो है मेन ट्रंक है पार्किंग एरिया में नीचे है, जहां आपने एक वीडियो लास्ट देखा होगा रुचि ने वट पूर्णिमा की पूजा की थी। पीछे जो दिख रहा है कल्पतरु बिल्डर्स का एक नया प्रोजेक्ट है इमेंसा। किसके घर से निकली थे, किसके आंगन में? अपना तो कोई सामने या किसी अंजान के काम आया था। ये भी एक मैटर की बर्बादी का एरिया एयर शुरू है। लोग आ चुके हैं, टैगोस्टिंग का सेरेमनी शुरू हो चुका है। स्वतंत्र दिवस।
पीछे खड़े हैं उनको भी आगे बुलाया जा रहा है। बी टावर, इधर ए टावर, जनगण मन धारणा है। तो अभी तक अगर नहीं सुनाई गया है, सीनियर सिटीजन्स के हाथ से हमारा सोसाइटी का फ्लैग होस्टिंग होता है। चार सीनियर सिटीजन को डायस के ऊपर बुलाया गया है और देश का जो भविष्य बच्चे है वे भी सामने हैं। ये हमारा सोसाइटी का एमपी थिएटर है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधित रंग जागे तव शुभ आशीष मागे। वाहे तव जय माता। अभी फ्लैग होस्टिंग और राष्ट्रगीत का गान हो गया है। अभी बच्चों ने कुछ कल्चरल प्रोग्राम के लिए तैयारी की होगी तो ऑन द स्पॉट एंट्री के हिसाब से कल्चरल प्रोग्राम होगा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा सदा शक्ति बरसाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला वीरों को मिटाने वाला वीरों को हर्षाने वाला मातृभूमि का तन मन सारा ना ऊंचा रहे हमारा विश्व तिरंगा प्यारा ऊंचा रहे हमारा। कुछ लोग अभी भी बालकनी में खड़े रहकर देख रहे हैं, उनकी तैयारी नहीं होगी तो नीचे उतरे नहीं है। पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। संतों को एक
थी चारों एक दिन हमें है विश्वास हुआ है विश्वास हुई शांति चारों ओर एक दिन मराठी गाना शुरू है एक जो प्रकाश खिलाते हुए स्वतंत्र दिन का सूरज आया है और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ताली बजाकर उनको शाबाशी दी है। बारिश फिर से शुरू हो गई है। बहुत धीमी गति से चल रहा है। एक घर से प्रतिदिन 3 किलो प्लास्टिक निकलता है। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए कलेक्ट करके उसको प्रॉपर जगह पहुंचाए। 15-10 दिन में हमारा यहाँ मोर देन 300 किलो आना चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट कि इतना प्लास्टिक निकलना चाहिए। हमारे 170 लोगों के सोसाइटी में डेली 300 किलो प्लास्टिक जनरेट होता है, ऐसा स्टडी है। हर 15 दिन में हर महीने में थोड़ा कम ही, लेकिन रिसाइकलिंग के लिए इतना आ नहीं रहा है। सबको अवेयर किया जाता है कि ड्राई वेस्ट जिसमें प्लास्टिक को कलेक्ट कीजिए। सबका संदेश है प्लास्टिक वेस्ट को हैंडल कीजिए और उसको रिसाइकलिंग के लिए प्रॉपर पहुंचाइए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हरे हर महादेव। हरे हर महादेव। आज 35 वर्ष का इसलिए मैं मौका ले रहा हूँ।
मेरे साथ आना है, आप भी मेरे पीछे दौड़ा सकते हैं। मेरे साथ में बच्चे आएंगे, ऋषिकेश, ये जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो। इको आ रहा है, भाई क्या है बारिश। मेरे पीछे दौड़ना है, जीवन में कुछ करना है तो कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता है, गहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। आओ मिले चलने के खातिर, पाव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा, खरहा का मतलब खरगोश, तेज दौड़ने वाला खरहा कुछ पल चल कर बैठ गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ, देखो बाजी मार गया। चलो कदम को कदम मिला के दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। That's it, I think. Anyone else? Last minute entries? Barish, धीमा धीमा आते जा रहा है, I think it's becoming a little inconvenient. आपके लिए स्नैक्स का भी बंदोबस्त किया है, तो प्लीज अपने अपने स्नैक्स लेके आइए। सेरेमनी और कल्चरल प्रोग्राम हो गया है। I wish all of us वो एरिया में अगर ये happy Independence Day once again. Thank you for all coming down. Snacks. And I'm sure the spirit of nationalism will remain in our hearts every day. एक दिन का काम नहीं है, रोज का ही है। घर जाएंगे। And on that note, thank you very much. भारत माता की जय। Wonderful. पीछे से सुनाई देना चाहिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। Thank you so much. अपना अपना स्नैक सगळे मागे राहणे येतात। अरे एक मिनट एक मिनट, वो ज्योति जी अभी आई है। ये मंदिर यहाँ नवरात्र के वक्त देवी की स्थापना होती है। पीछे लोड़ा का हमारा प्रोजेक्ट है।
तो ये है हमारी सोसाइटी। हाय फ्रेंड्स, तो आज का आपको ये हमारा व्लॉग अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी आपको जो भी चीज़ें पसंद आई उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। बाय।